और नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सेशन में हमने बीपीएससी एई का जो 2020 में है ना प्रश्न पत्र हुआ था, प्रश्न पत्र थर्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने क्या किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जो 2020 में आपका बीपीएससी एई का पेपर हुआ था, उस बीपीएससी एई के पेपर में जो जीएस थर्ड पेपर था, उस जीएस थर्ड पेपर का हम एनालिसिस कर रहे थे, है ना। हमने पहले केवल क्वेश्चंस का, हमने केवल सब्जेक्ट्स का जो है वो एनालिसिस किया था। इसमें हमने बताया था कि पहले साइंस आपको पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, विविध भी आपको पढ़ लेनी है, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो ऐसी ही चीजें हमने फिर क्वेश्चन आपको दिखाए कि सर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल जो हमने लेक्चर लिया था उसमें 2020 का जो जीएस थर्ड का पेपर था उसके शुरू के जो 25 क्वेश्चन थे, एक से लेके जो 25 क्वेश्चन थे वो हमने उस सेशन में कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके आगे वाले क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसके पहले यदि हम बात करें, मतलब हमने जो 1 से 25 क्वेश्चन तक जो देखे थे उसका सार क्या था, उसका यदि हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पूछे तो हम आपको यही बताएंगे कि देखो 1 से लेकर 9 नंबर के क्वेश्चन तक उसमें आपको इकोनॉमी भी दिखी थी, है ना, उसमें आपको हल्का सा हिस्ट्री भी दिखी थी, हल्की सी, और उसमें हल्की सी आपको पॉलिटी भी दिखी थी। यदि हम इसको इक्वली भी बांट लेते हैं तो लगभग 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिले थे, लगभग 3 से 4 3 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री को देखने का मिला था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक हम जाते हैं, या हम कहें है ना लगभग 20 तक जाते हैं, तो हमें केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री दिखाई वहां पर देती है। एक आधा क्वेश्चन वहां में फिजिक्स का भी देखने को मिलता है, लेकिन केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है। और उसके बाद हमने देखा था 22 23 24 और 25 क्वेश्चन जो है आपके जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके करंट अफेयर वाले सेशन से, ठीक है। तो यहां से हमें ये सीख मिलती है कि सर सबसे पहले तो हमें अपनी साइंस बहुत मजबूत कर लेनी है, उसके बाद हमें करंट अफेयर बहुत मजबूत कर लेना है, और उसके बाद हमें पॉलिटी और कंप्यूटर, अभी हम इस वाले सेशन में देखेंगे कि कंप्यूटर का भी जो आने का रेट है वो बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। ये 2022 में हुआ था पेपर, लेकिन ये बीपीएससी एई 2020 का पेपर था जो कि 2022 में कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, बीपीएससी एई 2024 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है, तो आपको ऐसे बच्चे जो टेक्निकली स्ट्रांग हैं या टेक्निकल की तैयारी करते हैं, है ना, तो वो अभी बहुत शानदार समय है। आप इस समय का फायदा उठाकर टेक्निकल आप पढ़ ही चुके हैं, नॉन टेक भी स्ट्रांग करके अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपको हमारी लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ठीक है। इसका सही आंसर अवनी चतुर्वेदी होगा। अवनी चतुर्वेदी का नाम संभवतः हम आपसे ये आशा करते हैं। देखो कुछ महिलाएं हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, जैसे जैसे अवनी चतुर्वेदी के बारे में भी हम बात करें, है ना, फर्स्ट, है ना, वुमेन हु फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट, ठीक है। इसके अलावा एक महिला मंजू थी जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया है अभी। तो याद रखना है कि जो फर्स्ट वुमेन वाला करंट अफेयर है या फर्स्ट वाला करंट अफेयर है वो थोड़ा सा हमें याद रखना है, वो भी हमारे द्वारा आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ये डिटेल है। स्क्वेड्रॉन है लीडर अवनी चतुर्वेदी इज इंडियन पायलट फ्रॉम रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश से ये आती हैं, ठीक है। और वो है ना लड़ाकू विमान रिपब्लिक डे पर चलाने वाली पहली महिला बनी है। इनके साथ साथ आपकी मोहना सिंह जतरवाल और भावना कांत, ये भी उन्होंने जो है क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन लीडर जो रोल रहा है वो रहा है अवनी चतुर्वेदी का। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च बाय द स्पेस एक्स एजेंसी
ऑन अ सिंगल रॉकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एलिगेंट। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एलिगेंट क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि हम यहां से अब एक चीज पकड़कर चलेंगे कि सर आपकी जो बीपीएससी एई की परीक्षा है, जो बीपीएससी एई की परीक्षा है, इस बीपीएससी एई की परीक्षा में आपका जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं ये भी देखते हुए चलना है कि टेक्निकल, जैसे सर क्या होता है ये टेक्निकल, हम क्या समझे यहां पर करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में आपको ये मानकर चलना है जैसे नासा से संबंधित करंट अफेयर, भारत में इसरो से संबंधित कोई करंट अफेयर, सीएसआईआर से संबंधित कोई करंट अफेयर, डीआरडीओ से संबंधित कोई करंट अफेयर, ऐसे करंट अफेयर जो डिफेंस से संबंधित हैं या किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे करंट अफेयर आपसे बीपीएससी एई की परीक्षा में आगामी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 143, जो आजकल का हर बच्चा कहना चाहता है लेकिन कहने के लिए उसको पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसने 143 जो रॉकेट हैं एक साथ छोड़े हैं, ये उपलब्धि सिर्फ हासिल की स्पेस एक्स ने, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसके पहले एक साथ एक रॉकेट है ना, एक साथ 104 रॉकेट उड़ाने का रिकॉर्ड भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास था। क्वेश्चन इसलिए नहीं आया कि स्पेस एक्स ने किया है, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसरो का रिकॉर्ड जो है इस नासा की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा तोड़ा गया। ये लिखा है, स्पेस एक्स क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट इन जनवरी 2021। स्पेस एक्स हैज बीटन द इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, जिसको हम कहते हैं इसरोज रिकॉर्ड ऑफ डेवलपिंग 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल लॉन्च इन फरवरी, मतलब फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे एक ही सैटेलाइट में 104 है ना रॉकेट, उसका रिकॉर्ड स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा। सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्पेसएक्स कंपनी के संस्थापक कौन है, बहुत महान व्यक्ति है सभी को पता है, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, इसरो के बारे में हम और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रक्षेपण जो है वो आपका क्षेत्र है जहां से हम रॉकेट को प्रक्षेपित करते हैं, है ना। और इसकी सहायक संस्था या हम ये कहें इसी तरह की जो संस्था है वो है आपकी डीआरडीओ, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc किसको कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है साइन एमओयू, एक एमओयू पर साइन किया है IISc बेंगलोर ने विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप बायोमास गैसिफिकेशन। भारत में आपको पता होगा भारत जो है एक्चुअली आने वाले जो पर्यावरण परिवर्तन है ना, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन इफेक्ट को कम करने में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रहा है। और चूंकि भागीदारी बढ़ाने का मतलब ये है कि हम ये सबसे पहले करके दिखाएंगे, तो बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी है ना, किसके साथ एमओयू साइन किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलकर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हैं। हाइड्रोजन को आपको पता है, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है साहब, क्या कहा जाता है ना, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है ना। इसको आपको पता है बहुत सारी जगह इसका यूज भी होता है ना। D2O का नाम सुना होगा, जिसको भारी जल कहा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में भी हम बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, वही 2010 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब सर ये क्या बला है महारत्न कंपनी, तो क्या होता है अपने बेस प्रॉफिट के आधार पर, जो बेसिक लाभ होता है उसके आधार पर कंपनियों को नॉमिनेट किया गया है। मिनी रत्न कंपनी,
एक होता है मणिरत्न कंपनी, एक होता है नौरत्न कंपनी और एक होता है महारत्न कंपनी। इन सभी के क्राइटेरिया होते हैं कि यदि कोई कंपनी इतने साल तक लगाया इतने वित्तीय वर्ष तक लगातार इतना प्रॉफिट गेन करती है तो फिर वो पहले मणिरत्न, फिर नौरत्न और फिर भारत की सबसे बड़ी कंपनी या महारत्न कंपनी में शामिल हो सकती है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसे 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, एमपीपीएससी प्री 2022 जब हुआ था, एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में यह पूछा गया था कि BHEL भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया। तो BHEL को दिया गया था 2013 में और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दिया गया था 2010 में। ठीक है, तो IISC ने MOU पर साइन किसके साथ किए हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये भी एक टेक्निकल संबंधित करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। अब हम फिर से आते हैं साइंस वाले पोर्शन पे, हम नहीं आते हैं, मतलब पेपर वाला पेपर पुनः हमें साइंस की ओर ले जा रहा है और अभी हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे और अब हमें देखने को मिला है स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश वाला क्वेश्चन। और प्रकाश का मतलब जो चैप्टर आता है वो आता है आपका फिजिक्स में। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, वॉटर केरोसिन है ना, वॉटर केरोसिन फ्लिंट ग्लास या फिर डायमंड या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो प्रकाश की गति जो होती है वो मिनिमम कहाँ होती है ये पूछा गया है, पानी में, केरोसिन में, फ्लिंट ग्लास में या फिर डायमंड में। तो आपको याद रखना है मिनिमम के बारे में चूंकि पूछा गया है तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डायमंड, का होगा डायमंड नहीं सॉरी वाटर, इसका तो सही आंसर होगा है ना। पानी की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, कहां पर होती है, वैक्यूम। ठीक है, सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, डी इसका सही आंसर होगा डायमंड है ना। सही आंसर क्या होगा, डायमंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश की जो गति होती है, इट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में अपन जो कहते हैं वो कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। और अपवर्तनांक को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता होगा यदि मान के चलो ये कोई सतह है, ये कोई सरफेस है, जब कोई प्रकाश किरण है ना, जब कोई लाइट की जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये डिपेंड करता है माध्यम पर, किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर है ना। ये सरफेस है, ये बताती है कि पहले किरण इस साइड आएगी, समझ रहे बात के लिए, तो माध्यम पर निर्भर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से आपको क्या है, जब कोई किरण ये आई तो ये सतह जो है ये इसको कितना मोड़ेगी, वास्तविकता में हम हिंदी भाषा में या साम गांव की भाषा में समझे तो किसी भी माध्यम के द्वारा किसी किरण को कितना मोड़ा जाता है, उस मोड़ने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, समझ रहे बात के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। बाकी यदि हम साइंस की भाषा में कहें तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की गति टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस माध्यम में प्रकाश की गति का जो रेशियो होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट, उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट होती है। यहां पर हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का है, तो जो डायमंड का चूंकि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो आपकी सबसे कम होगी, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स, अगेन लाइट से क्वेश्चन है, समझना आप क्वेश्चन। देखो हमने लास्ट लेक्चर में ही आपको बोल दिया था कि पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है। बढ़िया चल रहा है, कोई इशू कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बढ़िया है ना। देखो यदि हम बात करते हैं कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अभी हम चर्चा कर रहे थे जब प्रकाश की गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आवृत्ति,
एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एक होता है वेलोसिटी जिसको हम वेग कहते हैं, और एक होता है वेवलेंथ जिसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी तीनों चीजें चेंज नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवृत्ति चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ बदल जाती है और वेग भी, वेलोसिटी भी बदलता है, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तीनों चीज सेम भी नहीं होंगी, ये भी गलत हो जाएगा, तीनों बदलेंगी नहीं, तीनों सेम भी नहीं रहेंगी। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज बिल्कुल सही, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वेलोसिटी मतलब वेग और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, बिल्कुल सही है, बट फ्रीक्वेंसी हैव रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, मतलब सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अब हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ, स्पेशली साइंस में आपको बहुत ज्यादा है ना तन्मयता के साथ इसको पढ़ना होगा। When light passes from one medium to another, its frequency thus its color remain constant, उसका color और frequency बिल्कुल constant होती है, लेकिन velocity और जो wavelength होता है वो क्या हो जाता है आपका, change हो जाता है। ठीक है, अगले question की ओर बढ़ते हैं। Electromagnetic wave is non-mechanical wave with medium dependent, तो non-mechanical wave with independent of medium, मैकेनिकल वेव विद मीडियम डिपेंडेंट, मैकेनिकल वेव विद इंड। कभी कभी क्या होता है, हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो तात्कालिक स्थिति भी आपकी मायने रखती है कि आपने कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है, कितनी चीजें आपको याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगें एक है ना अयांत्रिक तरंगें हैं। अयांत्रिक मतलब होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, नॉन मैकेनिकल वेव का आप यदि अंदाजा लगाना चाहें तो सीधा सा एक अंदाजा आपको लगाना है कि सर इनको गमन करने के लिए, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होती है, मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, नॉन मैकेनिकल वेव विद इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगें आती हैं, जिसमें दीर्घ रेडियो तरंगें और लघु रेडियो तरंगें भी शामिल होती हैं। इनके डिस्क्रिप्टिव हम बहुत अच्छे से इसको रीड करने वाले हैं, है ना, इनकी खोज के बारे में पूछा जाता है, इनका उपयोग, सभी का उपयोग अलग अलग है, जैसे गामा किरणों का उपयोग अलग होता है, परावैगनी किरणों का उपयोग अलग होता है, एक्स रेज के बारे में तो हम जानते ही हैं, अलग अलग जगह पर इनका उपयोग होता है। तो थोड़ा सा हमें इनके उपयोग भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम धीरे आप जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव विद इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो 32वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, तो ये तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर की जो टेक्नोलॉजी होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन के आधार पर बेस्ड होती है। तो हम इसको डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सर ये देखो, ये कुल मिला के प्रकाश वाला चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर चल रहा है, आप याद रखना, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स हमें पढ़नी है पहली चीज, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि लाइट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सर लाइट चैप्टर से ही क्यों पूछा जा रहा है, चार पांच क्वेश्चन देख लिए मैंने, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई चैप्टर आपसे पूछा जाएगा तो मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे जाए उसी से, समझ रहे हैं। तो हम लाइट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो जो भी चीज पढ़ेंगे तो उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें एक अच्छा सा सही ऑप्शन बताना है। एक तरफ लिखा है म्यूजिक और दूसरी तरफ लिखा है आपका नॉइज। म्यूजिक जनरली आपको पसंद होता है, नॉइज कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी इसका यूज किया जाता है, इस हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं।
एनी अनवांटेड, तो अनवांटेड आ गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन तुरंत गलत हो गया क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। मतलब पांच ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से तीन गलत हैं, एक सही है। तो एनी अनवांटेड साउंड तो नहीं होगा भैया, म्यूजिक तो एक वांटेड साउंड होता है क्योंकि हम अपने जब का म्यूजिक सुनते हैं तो खुशी से ही सुनते हैं, चाह के ही सुनते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हैवी ड्यूटी ट्रक रेलवे इंजन, रेलवे इंजन और हैवी ट्रक ड्यूटी के द्वारा तो म्यूजिक बजाया नहीं जाता है, और ना ही कार है ना हॉर्न्स में भी देखने को मिलता है। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। म्यूजिक हैज फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हारमोनियस, बहुत बढ़िया। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, अच्छा है ना। तो म्यूजिक है आवृत्ति होती है, वेवलेंथ होती है, जो हमें बहुत पसंद होती है। तो सी कहीं ना कहीं ये हमारा सही लग रहा है। हम नॉइस को और पढ़ लेते हैं। नॉइस हैज इररेगुलर वेवफॉर्म वेवलेंथ एंड लो फ्रिक्वेंसी, तो नॉइस बिल्कुल सही आंसर है ना। म्यूजिक हैज वेरी सूदिंग इफेक्ट और नॉइज हैज ऑल्सो सूदिंग, तो नॉइज कभी कभी सूदिंग हो सकती है, कभी कभी नो सूदिंग नहीं हो सकती है। तो 32 का जो हो जाएगा, 33 का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यूजिक हैज फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट है ना हैव आर हारमोनियस, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होता है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, साउंड और ना साउंड वाले पोर्शन से, ठीक है। कुकिंग टेक लॉन्गेस्ट टाइम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है और प्रेशर आता है फिजिक्स के अंतर्गत, समझ रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लिया गया है। कुकिंग मतलब खाना पकाना सबसे लंबा कहां हो सकता है, जहां टेम्परेचर लो हो, जहां टेम्परेचर लो होगा वहीं पर टेम्परेचर हाई करने में समस्या होगी। तो शिमला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा है। अधिक ऊंचाई पर चूंकि पानी जो होता है वो कम तापमान पर उबलने लगता है और भोजन पकाने के लिए हमें आवश्यक गर्मी नहीं मिल पाती, इसलिए आवश्यक गर्मी हमें ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर या फिर जहां हाई एल्टीट्यूड, हालांकि यहां पर हमने ये जो लिया है एग्जाम्पल ये माउंट एवरेस्ट का लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि हाई एल्टीट्यूड पर खाना पकाने में अधिक समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पर ऊष्मा ज्यादा देनी होगी और जहां ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी वहां पर समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 35 क्वेश्चन। प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड विद वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यदि आप डेली करंट अफेयर ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लून समताप मंडलीय है ना गुब्बारों का एक नेटवर्क है जो दुनिया के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने में मदद करता है। तो प्रोजेक्ट लून के बारे में याद रखना है, इट विल बी एसोसिएटेड विद वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इंटरनेट ऑल्सो, है ना। द एफिशियंसी ऑफ सोलर सेल मे बी इन द रेंज, है ना, जो सोलर सेल होता है हमारा उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। जो कितने दूर दूर ऑप्शन दिए गए हैं, 2 से 5%, 10 से 15%, 30 से 40 से 70 से 80, तो 10 से 15% होती है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम ये मान के भी चलते हैं कि पर्यावरण वाला है। यदि पर्यावरण वाला क्वेश्चन भी है तो भी हम आपको बताएंगे कि कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो 10 से 15% की होती है। व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त सेल की अधिकतम क्षमता 20% और अब तक उत्पन्न की गई सौर सेल की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो है 46%, लेकिन अचीवेबल नहीं है। तो अभी अपन को बस इतना याद रखना है कि जो नॉर्मल एफिशिएंसी होती है सोलर सेल की वो होती है 10 से 15%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन,
ऐसा हीट इंजन जो पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टीम इंजन है, पेट्रोल इंजन है, एयर कंप्रेसर है या फिर डीजल इंजन है। तो इसका सही आंसर होगा एयर कंप्रेसर। जो एयर कंप्रेसर होता है एक ऊष्मा एक हीट इंजन का प्रकार होता है। इसके लिए हमें जो हीट वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कैसे चेंज होती है हीट, कौन सा यंत्र कौन सा काम करता है, ये सारी चीजें हम हीट वाले चैप्टर में देखेंगे। एयर कंप्रेसर एक ऊष्मा इंजन है जो बिजली को क्या करता है, इट विल बी एब्जॉर्बिंग हीट या पावर। ठीक है, एयर कंप्रेसर संभावित ऊर्जा बनाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दबाव में डालकर काम करते हैं, जिसे बाद में उपयोग के लिए एक टैंक में संग्रहित किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, गैलियन टेलीस्कोप या फिर कॉनकेव लेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन बस देखने को मिला है जो बायो से संबंधित हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन या तो फिजिक्स से आए हैं या फिर पूछे गए हैं केमिस्ट्री से, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका माइक्रोस्कोप। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है वो मैच किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप का उपयोग छोटी वस्तुओं या विवरणों को बड़ा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फिंगरप्रिंट के पैटर्न और डिजाइन को अत्यधिक बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट के लिए ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल डेटा रेफर टू द इंफॉर्मेशन, है ना, यहां से आपका कंप्यूटर वाला चैप्टर कहीं ना कहीं चालू होता है, जहां से क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। ठीक है, हमने फिजिक्स देख लिया, हमने केमिस्ट्री देख ली, हमने करंट अफेयर देख लिया, हमने हल्की सी पॉलिटी देख ली, अब हमें देखना है कंप्यूटर वाला चैप्टर। आप यहां से काउंट कीजिएगा, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा डिजिटल डेटा रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट सिंबल के रूप में जो है इसको रेफर कहा जाता है। डिजिटल डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ डिस्क्रीट सिंबल। ईच सिंबल कैन टेक ऑन वन ऑफ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एन अल्फाबेट सच इज लेटर और डिजिट्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर वर्क विथ अल्टरनेटिव करंट एसी, डायरेक्ट करंट डीसी, बोथ एसी और डीसी, एनी सिग्नल। तो आपको याद रखना है जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, है ना, वो डीसी पर बस काम करते हैं। किस पर काम करते हैं, केवल एसी पर काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर केवल एसी आपूर्ति पर काम करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को एक प्रत्यावर्ती धारा एसी की बस आवश्यकता होती है जो एक शिफ्टिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, आपके सप्लाई को मैनेज करता है। किसको करता है, सप्लाई को मैनेज करता है। और ये आपका फिजिक्स वाला ही क्वेश्चन है। फिजिक्स में जब हम इलेक्ट्रॉनिक ही पढ़ते हैं तो उसमें शंट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आपकी गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ही होती है छोटी सी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो केवल एसी पर काम ये करता है, तो एसी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेवेंट वेव्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, रिलेवेंट वेव्स क्या है, टेलीकम्युनिकेशन आर द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जो होती हैं, मतलब सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं, फ्रीक्वेंसी इज हाई इनफ टू कन्वे इंफॉर्मेशन, देयरफॉर माइक्रोवेव आर यूटिलाइज टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। माइक्रो हमने क्या कहा था, जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसी में आपकी आती है गामा रेस, उसी में आपकी एक्स रेस, उसी में आपकी माइक्रोवेव्स, परावैगनी किरणें,
ठीक है, उसी में आपकी परावैज्ञानिक किरण है, उसी में सूक्ष्म तरंग है, दृश्य तरंग है, और इनके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं वो भी हम आपको उसी चैप्टर में बता देंगे। ठीक है, याद रखना है अभी हाल है ना कि माइक्रोवेव्स का उपयोग टेली कम्युनिकेशन में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज फोन, आईओएस तो पता ही है आईफोन के लिए यूज होता है, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिम्बियन। तो सभी को पता है एंड्रॉइड तो सभी मोबाइल में चला ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं है। आईओएस भी सभी ने देखा है, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुके हैं, नोकिया का आया था याद हो आपको। तो अब केवल जो बनती है दिक्कत वो बनती है सिम्बियन की। तो आपको बता देता हूं मैं, सिम्बियन भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक, Ubuntu है ना, जीनोम, मैक और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मतलब जो हमने क्या कहा था, कंप्यूटर वाला चैप्टर भी थोड़ा ज्यादा पूछा गया है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती है, या फिर ये कहें कि मेमोरी वाला चैप्टर आपको याद रख लेना है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ऐसी मेमोरी जो सिस्टम में अलग से अंदर लगी होती है पहले से, है ना, और हमेशा अस्थायी रूप से ना डेटा को कंटेन करती है, डेटा को ऑब्जर्व करती है, और एक बार यदि कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए तो प्राइमरी में से डेटा में से जो प्राइमरी मेमोरी में से डेटा खत्म हो जाता है, और इसके उलट सेकेंडरी मेमोरी हम अलग से लगाते हैं, है ना, और इसमें डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। तो कैश मेमोरी, सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एचडीडी, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं, लेकिन कैश मेमोरी ए इज अ राइट आंसर ओनली टू। कैश मेमोरी इज अ प्राइमरी मेमोरी, है ना, ये जो है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, और इसमें यदि कंप्यूटर को एक बार बंद कर दिया जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो, ठीक है, बंद कर दिया जाए तो क्या होता है साहब, तो फिर इसमें से डेटा जो है वो क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, देखो दो क्वेश्चन पूछ लेगा केवल मेमोरी से, समझ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर वाला चैप्टर तो हमें पढ़ना तो है ही, उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन कौन से चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने से, इंटरनेट, इसके बाद आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया वो वाला चैप्टर, इसके बाद मेमोरी वाला चैप्टर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 44 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में भी हम बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड डिवाइस सच एज ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडी, सीडी एंड ब्लूरे डिस्क, है ना, ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क लाइक मेमोरी स्टिक, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये भी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सॉलिड स्टेट डिस्क लाइक थंब ड्राइव, पेन और फ्लैश, इनको सॉलिड स्टेट के जो पेन ड्राइव होती है ना उसको सॉलिड स्टेट डिस्क ही कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक डिस्क लाइक मेमोरी स्टिक, जो फ्लॉपी डिस्क को चूंकि हमने पहले मैग्नेटिक डिस्क कह दिया है तो हम इलेक्ट्रिक डिस्क नहीं कह सकते, इसका मतलब चौथा क्या हो जाएगा हमारा, गलत जवाब हो जाएगा। और मैकेनिकल डिस्क लाइक डीवीडी सीडी, और चूंकि डीवीडी और सीडी को हम पहले ऑप्टिकल डिस्क कह चुके हैं और जो कि सही भी है ऑप्शन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट आर द राइट, विच इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 विल बी द व्हाट विल हैपन व्हेन द इंटरनेट चिप इज वॉलेटाइल, मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल, इसको मेमोरी लिखाइए, मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है स्थायी की अस्थायी, चलो देखो ये लिखा है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, अस्थायी और अस्थायी होता है। एक्सप्लोड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता है, मेमोरी वगैरह तो ना सोच, बहुत हाई टेम्परेचर का लेना देना नहीं। यूज फॉर डेटा स्टोरेज, तो डेटा स्टोरेज के लिए यूज नहीं की जा सकती वॉलेटाइल, क्योंकि ये अस्थायी होती है,
कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, तो यही वॉलेटाइल होती हैं, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। जो करंट यदि रिलीज हट जाता है तो फिर जो कंटेंट है वो भी उसमें से लॉस हो जाएगा। तो तीन तो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यूज टू राइट एंड रीड डाटा, इसको गलत हो जाएगा। डैमेज ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, तो डैमेज तो लॉस ऑफ करंट का मतलब ये थोड़ी है कि हमने करंट नहीं दिया तो वो डैमेज हो जाएंगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ओनली थ्री इज अ राइट आंसर। ठीक है कि यदि लॉस ऑफ करंट यदि हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा उसमें से कंटेंट भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है, इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल इट विल लॉस इट्स कंटेंट इफ द करंट इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉल से हमें लार्जेस्ट की ओर बढ़ना है। एंड 46 क्वेश्चन नंबर, कैरेक्टर पहले आएगा फिर फाइल आएगा, तो कैरेक्टर नहीं आएगा पहली चीज तो ये। ठीक है, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड ये भी नहीं, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड देखो, तो सबसे प्योर जो लिखा है ना वो लिखा है ये बिल्कुल सही है। पत्थर का जैसे हम कहते हैं ना कि पत्थर का बिल्कुल सही है, बिट सबसे छोटा, उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा कैरेक्टर, फिर उसके बाद फाइल, और फाइल से ऊपर रिकॉर्ड, फिर फाइल फिर डेटाबेस। तो ऑनली फोर द क्वेश्चन, द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 46 का, कि ओनली फोर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि ये भी हमारा सही आंसर हो सकता है यदि हम बिट और बाइट को ना जोड़ा, लेकिन यदि हम बिल्कुल परफेक्ट की ओर जाएंगे ना, आयोग की तरफ जाओगे आप, बिहार पीएससी की तरफ, तो उसने सी ही माना था, ओनली फोर इज अ राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशन को डिजाइन कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनके भी अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का डिवीजन किया गया है, वो भी हम जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे। बाकी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विल बी द कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन हाल ही में एमपीपीएससी की परीक्षा जो हुई है संडे को, एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स जो 17 दिसंबर 2023 को ऑर्गेनाइज की है, उसमें पूछा गया था फायरवॉल के बारे में, सेट बी में पहला ही क्वेश्चन था, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस, बाहर की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो इट इज द फायरवॉल। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो फायरवॉल होता है ये हमारी बाहर से सुरक्षा करता है, एक्सटर्नल एक्सेस सिस्टम से क्या करता है, एक्सटर्नल एक्सेस को सुरक्षा प्रदान करता है। तो 48 का ए हो जाएगा, अ फायरवॉल प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, कौन सा ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य नहीं है का मतलब ये है कि तीन सही है और एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हमें केवल गलत वाले को चुनना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल, नहीं यही गलत है। देखो डेमोक्रेसी कभी भी पॉपुलर स्ट्रगल है ना, मतलब एक संघर्ष को जन्म तो नहीं देती है, लोकतंत्र कभी भी संघर्ष को जन्म नहीं देती है। डेमोक्रेटिक कंफ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू द मास मोबिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कम्स टू एन एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारा स्ट्रगल होता है ना, कम टू एंड विद द एस्टेब्लिश है ना, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में मददगार होता है स्ट्रगल, लेकिन डेमोक्रेसी के बाद स्ट्रगल हो थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम द इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स, तो पब्लिक के पार्टिसिपेशन के साथ ही है ना ये स्टार्ट होता है। तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि ए जो है वो क्या है आपका, गलत है।
और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे, है ना, जो कि 50वां क्वेश्चन है एमपीपीएससी 2020 की बीपीएससी एई का। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर, ऐसे क्वेश्चंस आपको एकाधा मिलेंगे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मतलब ये क्वेश्चन जनरली किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, कभी कोई चर्चा में हो सकता रहा हो ये पेपर में, या नेपाल से हमारे उस समय डिस्प्यूटेड चीजें पूछ ली जाए। इसका सही आंसर है अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक क्या हुआ था, लोकतांत्रिक, एक लोकप्रिय आंदोलन हमें देखने को मिला था, जो कि लोकतंत्र की अच्छी बहाली के लिए किया गया था। ठीक है, हालांकि 1990 में ही नेपाल आजाद हो चुका है, लेकिन वहां पर अच्छे से डेमोक्रेसी रहे चले, उसके लिए एक अप्रैल 2006 में एक आंदोलन लॉन्च हुआ था, उसी के बारे में हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, जो भी टेक्निकल आपके फ्रेंड्स हैं बीपीएससी एई की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप साथ मिलकर भी इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां कहां से किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।